टिल्ली, पिताजी हमसे कहते रहते हैं कि ज्यादा उड़ो मत, ज्यादा उड़ो मत। यह समझ में नहीं आता कि ऐसे कौन से पंख हैं हमारे जो सिर्फ पिताजी को दिखाई देते हैं, हमको नहीं। अरे धर्मपाल, तू उड़ा कब? अरे वही तो पूछ रहे हैं हम। पंख है नहीं, उड़े हैं नहीं, वही बस फालतू की बातें। अरे धर्मपाल, तू अपने घर की बातों पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दे। तू मेरी परेशानी सुन। अबे टिल्ली, तुझे क्या हो गया? ऐसा कब्रिस्तान जैसा मुंह बना के कब बैठा है? अरे रवीना के बच्चे ने मारा मुझे। हैं? उसके बच्चे कब हुए? शादी कब हुई उसकी? अरे चुप कर, बादाम खाया कर, दिमाग स्लो चलता है तेरा। अबे बादाम की जरूरत तो तुझे है, मरियल मरासन हड्डी राजा जैसा तो है तू। वो रवीना तो है ही कमीना, कमजोरों पर हुकूमत चलती है उसकी। अबे इतना कमजोर भी नहीं हूँ, वो तो दिख ही रहा है। वैसे किया क्या था तूने उसके साथ? अबे उसके साथ क्या करूंगा मैं, जो किया उसने किया मेरे साथ। मुझे पटरी पकड़ा दी और बोला कि पेट खुजा दे। मैंने बोला कि प्रकार भी दे दे, तो बोला कि उठाकर गटर में घुसड़ दूंगा। तो मैंने बोला कि बाप का राजा क्या? फिर क्या, बाप का नाम सुनते ही भड़क गया, बिछा दिया मेरे को चौड़े में, बालों और नाखूनों तक में दर्द हो रहा है। ये मनुष्य देखने में तो भकासुर लगता है, इसके पिताजी ने इसका नाम रवीना क्या सोच कर रखा? ए तुझे नहीं पता, सब जानते स्कूल में। जब वो पैदा हुआ था तो उसके बाप ने नाम लिखवाते हुए बस ये कहा था कि कुछ भी रख दो, बस रवीना रखना। उन्होंने लिख दिया रवीना। हाँ? किस अस्पताल में हुआ था वो? होती है मैटरनिटी में। तभी उसके पिताजी को रवि नाम से इतनी खुंदक क्यों है? अरे रवि उसकी दूसरी बीवी के बच्चे यानी कि रवीना के सौतेले भाई का नाम है। क्या लवरांडस खानदान है। अरे धर्मपाल, तुझे तो बड़ी जानकारी रहती है दुनियादारी की। हे जय, सब तो करते हैं हम, पढ़ाई पसंद नहीं है हमें। तेरे जैसे दोस्त नकल मरवाने के लिए हो तो पढ़ाई कौन करे। हाँ, और नौकरी शादी और बच्चे भी मेरी नकल मार के करियो। अबे सूखे, तू कॉमेडी अच्छी कर लेता है। अच्छा ये बता, जब तक तू इस स्कूल में अपनी ऐसी तैसी कराएगा तब तक वो रवीना तेरे को ऐसे ही पीटता रहेगा किसी न किसी बात पे। अरे तो क्या करूं मेरे भाई, फूटी किस्मत लेके पैदा जो हुआ हूँ। मच्छर सा बदन लेके फिरता है और कहता है किस्मत फूटी है मेरी। कुछ भी खाता हूँ मेरे तन को लगता ही नहीं, ज्यादा खाने के चक्कर में हाजमा और बिगड़ जाता है मेरा। तभी ससुरे तू बार बार स्कूल गोल करता है, वजन बढ़ाने के चक्कर में खा खा कर तेरे पेट की पुंगी बजा देता है। तभी तो बोल रहा हूँ कि किस्मत फूटी है मेरी, पिताजी इतनी मेहनत से जुआ खेल खेल कर पैसे कमाते हैं और मैं खा खा कर उनका पैसा वेस्ट कर देता हूँ। अभी तो बेवकूफ, खाना क्यों ठूस रहा है? एंडुरा मास खा लिया कर, एक दो महीने में तगड़ा हो जाएगा। क्या पाउडर? ना भाई ना, वो तो केमिकल होता है। अबे केमिकल के बच्चे, फिनाइल पीने को नहीं बोला हमने? अरे हमारे बड़े बताते हैं कि पाउडर फाउडर सेहत खराब करता है। जितने बड़े उतने सड़े, क्या लगता है वे? अबे उनके दिमाग सड़े, उन लोगों ने खुद तो बचपन में खूब दूध घी मारा है, वो भी बिना मिलावट का। हम क्या खाएं, सब चीजों में तो मिलावट है, दाल चावल आटा घी तेल दूध मिठाई सब कुछ मिलावटी है। वो पाउडर कम से कम मिलावटी तो नहीं होगा ना, रॉ मटेरियल से बना होता है यार। फिर तो वो महंगा आता होगा, उसमें स्टीरियो जो होता है। अबे सस्ते अंग्रेज, वो स्टीरियो नहीं स्टेरॉइड होता है, और उसमें स्टेरॉइड नहीं तेरे दिमाग में होता है, उसमें बस प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि बहुत से लोग दाल चावल रोटी चिकन दूध से नहीं पचा पाते, वो इस पाउडर से पचा सकते हैं। और हाँ, महंगा नहीं आता, खाने जितना पड़ता है। अरे यार फिर भी पाउडर है। अबे हम कोई एंडुरा के सेल्समैन तो है नहीं जो तेरे पीछे पड़े रहे, लेना है तो ले वरना ऐसे ही मच्छर सा बना रहे और रवीना से पिटता रहे पूरे साल। तुझे कैसे पता कि एंडुरा के पाउडर में कोई गड़बड़ नहीं होती? खाना ठूस ठूस के तेरे गड़बड़ होती है? हाँ, जब ज्यादा खा लेता हूँ तब अफारा हो जाता है। हाँ तो यही हाल इसका भी है, पंजीरी समझ के मत ठूसना नहीं तो अफारा हो जाएगा। हमने लिया है, हम जानते हैं। तूने भी लिया है? तू भी पतला था क्या? हाँ भाई, हम तेरे जैसे ही पतले थे पहले, 3 महीने लिया और अब ऐसे हैं। 1 साल हो गया, वजन उतना का उतना ही है, छोड़ने के बाद भी कम नहीं हुआ। छोड़ने के बाद भी कम नहीं हुआ? अबे इसमें कोई जादू नहीं है, थोड़ी बहुत कसरत रोज करते हैं, इसको लेने के साथ आधे घंटे रोज कसरत भी करेगा तो मस्त बॉडी बन जाएगी। 3-4 महीने के बाद छोड़ भी देगा पाउडर तो अभी तेरी बॉडी कम नहीं होगी, बस हफ्ते में 3-4 दिन कसरत करना इसके साथ। सच बोल रहा है ना? बना तो नहीं रहा? एक लाफा दूंगा तो जमीन में घुस जाएगा। ठीक है यार, मंगा लेता हूँ, कल से रोज कसरत चालू कर दूंगा। कहाँ है वो मच्छर टिल्ली, इतने दिनों से मुझसे बचता फिर रहा था, आज मुझे उसको सूतने का मन कर रहा है। रवीना भाई, वो मच्छर मच्छर नहीं रहा, अब मगरमच्छ बन गया है। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खा रहा था इतने दिनों से। अच्छा, मैं भी तो देखूं कितना आटा खाया उसने। अबे ओए रवीना, तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त अखियों से गोली मारे। ओए प, 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 ये तुझे क्या हो गया, सूजन हो गई क्या बॉडी में? अबे घास लेट के पीपे, ये सूजन नहीं है, मसल मास है जो तेरे जैसे फैट से भरे बोरे की समझ में नहीं आएगा।
क्या बोला मैं? अभी बताता हूँ। अरे टिल्ली भाई, हमें भी बता दो इस बॉडी का राज, हम भी आजाद होना चाहते हैं रवीना की गुलामी से। अबे ढक्कन हो, रोज कसरत करो और एंडुरा मांस खाओ, थोड़ा पेशेंस रखो, फिर देखो क्या बॉडी बनती है तुम्हारी। ठीक है उस्ताद, हम ऐसा ही करेंगे। अबे नालायको, छोड़ूंगा नहीं, मैं भी आज से एंडुरा मांस खाऊंगा। और कसरत क्या तेरे पप्पा करेंगे? अबे आलसी, खाली खाता रहेगा तो फट जाएगा एक दिन। ओह माय डॉग। एंडुरा मांस आधा किलो, 1 किलो और 3 किलो की पैकिंग में उपलब्ध है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, अमेजन से मंगाओ। कैश ऑन डिलीवरी है, यानी जब मिले तभी पैसा दो। टेस्टी चॉकलेट बनाना स्ट्रॉबेरी और वनीला फ्लेवर्स में, हमने खाई है, हम जानते हैं, हमने बॉडी बनाई है और मैंने खाकर सबक सिखाया है इस मोटे को। आप भी आज ही मंगाइए, रोज थोड़ी कसरत कीजिए, एंडुरा मांस दूध में डालकर पीजिए और ताकतवर और सुडौल बन जाइए। इसमें डिस्काउंट भी है। मैं भी।